जोक्स लाने बहुत बढ़िया, हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक बार बिफोर स्टार्टिंग इस जगह के लिए एक बार ताली बजा। बहुत सुंदर लोग आना ट्यूजडे, वेरी नाइस। आप लोग को आना थोड़ा बीच बीच में, ऐसे फोटोज में भरा भरा लगेगा, ऐसे बहुत मजा। वन और टू लाइंस सो दैट वी हैव एन आइडिया। की सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग सब बुक के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि बुक एक ऐसी, खासतौर पर जब हिंदी बुक होती है तो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसके लिए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। और एक क्लैप आप सभी मीडिया के लिए और सभी मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो मैं फटाफट शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जल्दी करो, मेरे हम लोग कहीं और भी जाना है। तो किताब है, हमें से बहुत जितने भी हैं यहाँ, सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, तो हम लोग की लाइफ में पैशन होता है, जॉब होती है और थोड़ा सा लव का तड़का भी होता है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को आप इन किताब में देख सकते हैं। तो किताब का एक वन लाइन मैं आपको बता देता हूँ, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और मेरी सभी कल्पनाएं निजी जिंदगी से प्रेरित हैं। कई कहानियां खत्म होने के लिए शुरू होती हैं, ये कहानी शुरू होने के लिए खत्म हुई है। कहानी शायद वही है, मजबूरियां, सपने, सब हमारे आपके हैं। जॉब पाने के लिए लड़के बहुत कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जब कोई लड़का कुछ पाने के लिए जॉब छोड़ता है तो शुरू होती है ये कहानी। कबीर ने जॉब छोड़ी नहीं थी, बल्कि खुद से जॉब छोड़वाई थी। और ये वो काम होता है जो हम में से बहुत लोग करना चाहते हैं के बावजूद नहीं कर पाते, लेकिन कबीर ने कर दिखाया था। जॉब और दोस्ती छोड़ के वह सपनों की तरफ चल पड़ा और मिल बैठा किसी हसीन सपने से, और इस सपने ने वापस उसे वो सब पाने को मजबूर कर दिया जिसे वो छोड़ कर आया था। क्या होगा, कबीर वही करेगा जो हम तुम करते आए, या कबीर अपनी कहानी कह जाएगा? तो इस कहानी में पैशन है, ड्रामा है, रोमांस है, वो सारी चीजें हैं। और सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगती है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो ये है कि जो हमने लैंग्वेज यूज की है वो बड़ी हमारी आपकी लैंग्वेज है। इसमें ऐसा नहीं, मैंने अपने राइटर होने का परिचय दिया है बार बार कि मैं ऐसी लैंग्वेज को यूज करूं जो लगे कि बहुत बुद्धिजीवी हूं, वो मैं हूं, ठीक है। ताकि टीवी कमर्शियल राइटिंग छोड़ के जो मैं बुक लिख रहा हूँ वो बुद्धिजीवी तो मैं हूँ। तो सिर्फ यही है कि आपको पढ़ के एक मजा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, आपको अपनी बात पढ़कर मजा आएगा। और हम किन चीजों के साथ सेक्रीफाइस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सब इसमें मसाला सा है। तो यहाँ तक का मैंने सोचा था, वो मैंने बोल दिया, कुछ चीजें भूल गया, वो मैं तो बाद में बोल दूंगा। तो इसके बाद एक हम छोटा सा एक चैप्टर रीडिंग कर ले ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी हो जाए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। हाँ, एक छोटी सी चैप्टर रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर आई थिंक कृष्णा भाई से पहले हम पूछते हैं कि मतलब बुक के बारे में वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि वो टेलीविजन में इतने इन्वॉल्व रहते हैं। तो कृष्णा भाई के ऊपर जोर डालिए और थैंक यू सो मच कृष्णा भाई कि आपने टाइम निकाला और आए यहाँ पर, वरना ये कहीं पे भी एक दिन जाने के लिए मुझे पता है क्या सर भाई फॉर्मेलिटी में बोल रहे हैं कि थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एक बार अपने एक बार फिर से ताली बजा दीजिए आप लोग। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे शो लॉन्च होते हैं, फिल्म लॉन्चेस होते हैं, तो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है मीडिया, लेकिन आई एम सो हैप्पी टू सी लॉट ऑफ पीपल कमिंग हियर। अभी कुछ ही दिन पहले मेरा शो था सिंगापुर में, अभी एक हफ्ते पहले, तो ऐसा लग रहा है मैं सिंगापुर में ही हूँ, क्योंकि वहाँ भी इतने से ही लोग आए थे देखने के लिए। यहाँ ज़्यादा आ गए। खैर, ये जो पंच मैंने अभी मारा, ठीक है, ऐसे कई सारे पंचेज हैं जो पिछले 13 सालों से हम लोग टेलीविजन पे इतनी कॉमेडी करते आ रहे हैं। बीइंग ऑल द शोज हैव बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम कॉमेडी सर्कस टू द कपिल शर्मा शो, अभी तक 13 साल हो गए। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ बिकॉज मैंने वंकुश की जर्नी देखी है। इज फ्रॉम कानपुर, ये कानपुर से आया था एक लड़का, ऐसे ही था, ये तो वैसे फिटनेस का बहुत ख्याल रखता है, ऐसे ही दिखता था, बस पान खाता हुआ कभी कभी बाहर आदर्श नगर में हमारा वहाँ पे ऑफिस था कॉमेडी सर्कस का, और वहाँ से ही स्टार्टेड। और वो जर्नी जो है इतनी बढ़िया रही है, हम लोगों ने साथ में कॉमेडी सर्कस किया, कॉमेडी सर्कस ख़त्म हो गया, उसके बाद कपिल ने अपना शो शुरू किया, वहाँ से वंकुश कपिल शो जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लिखता था टिल द कपिल शर्मा शो, तो आई हैव सीन हिज जर्नी। जो मैं हमेशा एक सुदेश जी पे पंच मारता हूँ ना कि ये बम्बई आया तो 500 रुपया जेब में लेकर आया था, आज ऊपर वाले की दया से 15 से 20 करोड़ का कर्जा है इसके ऊपर। तो ऐसा मैं सुदेश जी पे पंच मारता था हमेशा। लेकिन ये बात सच है कि आई हैव सीन हिम
कमिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जो कहाँ से शुरू किया, और उसके बाद जब मैं हम लोग पिछले साल मिले जब ये शो शुरू हो रहा था हमारा, एक साल हो गया शो को, एक बार शो के लिए जोरदार तालियां कपिल शर्मा को। तो एक साल पहले जब हम लोग बैठे साथ में, हमने सोचा क्या करें, इस बार कुछ ऐसा करना है कि अलग भी हो और क्या कैरेक्टर किया जाए। तो आज मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं लाइव शो पे होता हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक्स टू गॉड, बिकॉज आवर शो इज डूइंग वेरी वेल। और सपना मसाज, एक करोड़ देना, नाला सुपारा, वो सब ये बनता है। नहीं मतलब तो कैरेक्टर बनाना, उसकी लाइन लिखना, तो सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थ्रू आउट ही इज रिटन एंड रिटन सो वेल। और आज मैं जब मिला पिछले साल तो पंकुश ने बोला भाई मेरे ऑफिस आ जाओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने बोला इसने पंकुश ने ऑफिस भी खरीद लिया है, अरे वाह, मतलब ये बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इतना सा पाने के बावजूद, व्हेन जब आपका पेट भी थोड़ा अच्छा भर रहा होता है, आपका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है, उसके बाद जब आप किताब लिखते हो, तो मैं मानता हूँ आदमी का पैशन, मतलब सो वंडरफुल। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर, ऑल द फ्रेंड्स आर हियर एंड द होल टीम इज हियर टू सपोर्ट हिम। और तो क्या पढ़े भाई बताओ, क्या पढ़े? तो एक चैप्टर पढ़ूंगा, और उससे पहले जो कृष्णा भाई ने मेरे लिए बहुत खूबसूरत चीजें कही उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच। और बीच में सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि हाँ, हमारा शो अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है शो के साथ जो जुड़ी हुई है, दिन रात मेहनत करती है, और तभी हमारा शो इतना बुलंदियों पे है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम यहाँ नहीं लूंगा, क्योंकि पैसे मैंने दिए तो मैं क्यों उनको प्रमोट करूँ, मैं अपने आप को प्रमोट करूँ। तो ठीक है, तो एक हाँ, तो एक छोटा सा चैप्टर हम रीड करेंगे। तो सुरीन है हमारे साथ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, हमारी क्रिएटिव टीम में भी रहेंगे, और तो एक छोटा सा चैप्टर सुरीन जी पढ़ेंगी, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ, मैं एक छोटा सा चैप्टर पढ़ के फिर हम कुछ सवाल जवाब, एंड दैट्स इट। तो सुरीन जी प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस मंकुश, बहुत ही अच्छी किताब लिखी आपने, और इसमें बहुत ही अलग अलग चैप्टर्स हैं, वैसे तो सब चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, पर अगर आप अलग अलग भी पढ़ें तो एक कहानी है एक एक चैप्टर। छोटा सा एक चैप्टर पढ़ती हूँ, बहुत ही प्यारा है। तो इस चैप्टर का नाम है बातें। वो बिल्कुल शांत थी, सारा माहौल अचानक से शांत हो गया था, अजीब लग रहा था, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया था। कभी कभी होता है ऐसे, एहसास शब्दों पे भारी पड़ने लगते हैं और वो बिना इजाजत लिए यूं निकलते हैं कि बाकी सब संभालना मुश्किल हो जाता है। मैंने संभलते हुए पूछा, कुछ ज्यादा बोल गया क्या मैं? वो हल्के से मुस्कुराई और पास आते हुए बोली, तुम इतनी अच्छी बातें मत किया करो, वरना मेरी दुनिया रहने लायक हो जाएगी। हमारी सांसें आपस में ये पहली बार मिली थी, हम दोनों बेहद करीब जो आ गए थे। क्या मतलब? मैं घबरा गया था। तुम अच्छे लड़के हो, उसके कॉन्फिडेंस में बच्चों सी मासूमियत थी। सच? क्या मैं अच्छा हूं या अच्छा लगने लगा हूं? क्योंकि इतना अच्छा तो हर लड़का होता है, लेकिन शायद वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिस कारण वो सही गलत भूल जाता है, और गलत करने पर अपने गलत को सही करने के लिए और गलत कर बैठता है। मैं अपने एहसासों में गुमशुदा था, और इसी बीच हम दोनों बहुत करीब थे। मैं उसे खुद में महसूस कर रहा था। क्या सोच रहे हो? कश्मीर वाली फीलिंग आती है ना, कि अपना होते हुए भी वहां जा नहीं सकते,
तुम लिखना कब शुरू करोगे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ऐसे ही अच्छा लग रहा है। लिखने के लिए कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास जितनी भी कहानी है बस वो बीच से बन रही है, शुरू है ही नहीं। क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, कोई ना कोई कहानी जरूर मिल जाएगी। जल्दी के चक्कर में कुछ खराब कर मत कर बैठना, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, गेस्ट आते ही होंगे। अरे यार, मुझे ये रीति रिवाज ना बिल्कुल पसंद नहीं है, सब टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, तो इस बचे हुए टाइम का क्या करोगे? कुछ नहीं, रेस्ट करूंगा, कुछ लिख लूंगा। आई नो कि ज्ञान देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब आ रहा है तो दे देती हूं। तो सुनो, दुनिया में हर चीज के पीछे एक राज छुपा है। जिस दिन सारे राज पता चल जाएंगे, उस दिन जीने का मजा नहीं आता। इसलिए बिना जाने जीने में बहुत मजा है। बड़ी सोच समझ कर बनी है ये दुनिया, जी डालो। बाद में बहुत अफसोस होता है, काश मैं तुम होता, काश तुम होते। मतलब मैं नहीं हूं। अरे तुम ही हो, पर अभी तुम्हारा तुम होना बाकी है। यार तुम तो अपने आप में ही बड़ी किताब हो, सबसे पहले तुम्हें पढ़ना होगा। बहुत महंगी किताब है हम, हर पन्ना बेशकीमती है। कीमत कहां से लाओगे? उसकी बातों में नजाकत भी थी, उधार। मेरी बातों में दिल्लगी साफ छलक रही थी। ये पान की दुकान नहीं है, ऐसे हसीन पन्ने किताबों में नहीं मिलते। अब जाओ प्लीज, टाइम बहुत हो गया है, लेट हो जाएंगे। क्या करेंगे जाकर, यहां रहकर भी क्या करेंगे? उसकी बातों में एक मासूम सी शरारत थी। वही सब जो होता है, मतलब तुम्हारी जिंदगी के एक दो मतलब ऑलरेडी पेंडिंग है ना, तो पहले उन्हें सॉल्व कर लो, फिर बाद में मतलब समझाना। जाओ जाकर तैयार हो जाओ, और मुझे भी तैयार होने दो, कहकर उसने डोर बंद कर दिया। लेकिन आज मेरे अंदर कहीं कुछ खुल गया था। पता नहीं क्या चल रहा था मेरे अंदर, कहां किससे होती थी ऐसी बातें, और क्यों नहीं होती थी। आज मुझे कहानी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन आज मुझे मेरे में से थोड़ा सा मैं जरूर मिल गया था। बहुत संभाल कर रखना होगा इसे, मेरे मैं को। अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। दोस्त यहाँ पर आया जो वेल सेटल्ड है, तो अब दोस्त को नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है। तो अभी वो उसके घर में आया, तो वहां से हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लौंडा लहसुन। तो मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा, मुझे मालूम है कि किताब है, और आप लोग ऐसा ना लगे कि यार कितना पकाएगा अपने बुला लिया ऐसे, तो मैं फटाफट पढ़ता हूँ। लौंडा लहसुन। मैं आशीष के घर पर था, लेकिन आशीष अपने घर पर नहीं था। उसका घर बैंड्रा में था। इस घर में सब कुछ था, सब कुछ, वही सब कुछ जिसके लिए हम अपना सब कुछ दे देते हैं, और बदले में हमें मिलता है सब कुछ। करीब 1.5 महीने बाद आशीष के घर आया था। कारण, चारू के समय हम आशीष से थोड़ा दूर हो गए थे, या थोड़ा डर गए थे, क्योंकि हमारी दोस्ती के कुछ रूल थे जो आशीष ने बनाए थे। आशीष अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना जानता था, इसलिए उसे लड़कियों की और दोस्ती की लाइफ में कितनी अहमियत है पता थी। इसलिए कभी कोई बीच में ना आए, उसने कुछ रूल्स बना लिए थे। ये मेरी है, वो तेरी है वाला चक्कर बड़ा बोरिंग है। जो जिसके साथ कॉफी पी ले वो उसकी। कॉफी पीना आप सभी समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो पी लीजिए, कॉफी ठंडी हो जाएगी। और लड़की अच्छी लगने लगे या सीरियस हो तो उसका कॉफी टेस्ट हो। कॉफी टेस्ट में पास हो गई तो भाभी, नहीं तो खुशियों की चाबी। और आशीष मेरी दो सेटिंग के साथ कॉफी पी चुका था, और आशीष लड़की को पटाने के लिए किसी भी हद तक पैसा खर्च कर सकता था। इस वजह से मैंने कभी उसे चारों से नहीं मिलाया, क्योंकि चारू मेरी लाइफ की सबसे हॉट डेट थी और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन काश आशीष वाला फार्मूला अपना लिया होता। आशीष को पीना बहुत पसंद था। सामने बहुत बड़ा बार बना रखता था, महंगी वाइन्स, इंपोर्टेड स्कॉच, सिंगल मॉल्ट,
सारी बोटल्स थी लेकिन आशीष नहीं था। मुझे आशीष से काम था लेकिन आशीष काम पे था, और मैं उसके घर पर था लेकिन आशीष नहीं था। मैंने दिन में आज तक नहीं पी लेकिन आज तक कभी जॉब भी नहीं छोड़ी। सिंगल मॉल्ट के बीच में से मैंने ओल्ड मॉन्क की बोतल उठाई, हालांकि मैं ज्यादातर सिंगल मॉल्ट ही पीता था, लेकिन आज ओल्ड मॉन्क पीने का मन किया। वो पता नहीं कुछ अपनी सी लगती है। एक लार्ज पैक मेरे ग्लास में था लेकिन आशीष नहीं था। आशीष से मेरी दोस्ती ज्यादा पुरानी नहीं थी, अभी कुल 6 महीने पहले हम बैंड्रा के एक बार में मिले थे। मैं नए शहर में आया था, नई जॉब मिली थी, जैसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन आशीष नहीं मिला था। और आशीष उसी दिन मिला बैंड्रा के उस बार में, जहां हम दोनों एक ही लड़की पे ट्राई मार रहे थे, लेकिन लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मार रही थी जो कहीं और ट्राई मार रहा था। हम सब अपनी लाइफ में कहीं और ही तो ट्राई मार रहे हैं, इसलिए लाइफ हमें मार रही है। आशीष ने उस लड़की को डायरेक्ट बोला था, आई लाइक यू। लड़की कुछ समझ नहीं पाई थी, तभी आशीष ने बोल दिया, इफ यू डोंट माइंड यू कैन स्टे विद मी टुनाइट। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़की चली गई लेकिन मैं आशीष को देखता रह गया। मैंने लाइफ में किसी को इतना क्लियर कभी नहीं देखा था। मैं भी उस लड़की पर ट्राई मारा था, लेकिन जो बात मैं महीने बर्बाद भी नहीं कह पाया उसने उसी वक्त कह दी। इसलिए आज आशीष बैंड्रा में था और मैं पता नहीं कहां था, लेकिन आशीष घर पे नहीं था। मैंने लाइफ में आशीष से ज्यादा फोकस आदमी कोई नहीं देखा। उसका फोकस क्लियर था, पैसा और ब्रांड्स के अलावा वो कुछ पहनता नहीं था। पार्टी के अलावा उसका कोई धर्म नहीं था। लड़कियां पसंद थी लेकिन सिर्फ रात में, और रात पसंद थी सिर्फ ग्लास के साथ। जान जाम और शाम के बीच इतना अटूट और पवित्र रिश्ता मैंने आज तक नहीं देखा। चीयर्स। सामने ग्लास था, ग्लास में स्कॉच थी। मैं आशीष के घर पर था, आशीष का घर बैंड्रा में था और आशीष घर पर था। आंखें मलते हुए मैं एकदम से उठा, आशीष तू ऑफिस नहीं गया? गया था, पर वहां का रूल है रोज शाम को घर आना पड़ता है और रात को रुकना वहां अलाउड नहीं है। मैंने घड़ी देखी, शाम के 7 बजे थे, मतलब मैं पूरे 6 घंटे सोया था। क्या बात है, कहां गए वो? हम तो हफ्ते भर के लिए बाहर गए, तुम तो मिस्टर इंडिया हो गए और आज दिन में ही कोई ब्रेकअप ब्रेकअप कर लियो क्या बे? हाँ भाई, कहते हुए मैंने अपना ग्लास खाली कर दिया। आशीष रुका और मुझे देखने लगा, बड़े गौर से देख रहा। भाई मुझे पता नहीं था कि मैं इतने गौर से देखने की चीज हूँ। साले तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, हमें अपनी प्रेम कहानी भी नहीं सुनाए। मतलब हनी सिंह कहीं और करते थे, जब जगजीत सिंह सुनने की बारी आई तो इधर का रास्ता पकड़ लिए। ये था आशीष, बिहार का रहने वाला। इसकी अच्छी बात यह थी कि दोस्तों के साथ ऑफिस वाली नहीं दोस्ती वाली भाषा में बात करता था। अबे तबे से लेकर माँ बहन की व्यवस्था बना रखी थी इसने अपनी जुबान में। इलाहाबाद सॉरी प्रयागराज जुबान को बिहारी जुबान की ऐसी लत लगी थी कि हमारी शामें हमारी मस्तियों की गवाह बनने लगी। आशीष ने शर्ट उतारकर आराम से बैठते हुए पूछा, इस लवबाजी के बारे में बताया नहीं? आशीष को मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताने के मूड में नहीं था, लेकिन जो हुआ वो मेरे होशो हवास में हुआ था, और जो आज सुबह हुआ वो फैसला हम दोनों से जुड़ा था, क्योंकि आज क्या हुआ ये जानना आशीष के लिए बेहद जरूरी था। इसलिए मैंने उसका जवाब देते हुए कहा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, जॉब छोड़ दी हमने। क्या? मेरा जवाब सुनकर आशीष उतना ही उछला जितना अंपायर मैच से पहले टॉस का सिक्का उछालते हैं। छोड़ना, एक स्ट्रॉन्ग पैक बना, ये बात मैंने उतने ही गर्व से कही जितने गर्व से महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अबे आज तो महंगी वाली खुलनी पड़ेगी, मतलब भाई ने डिसीजन ले लिया। आशीष बिना सच जाने खुश हो रहा था, और इस खुशी में आशीष ने ब्लू लेवल की बोतल खोल ली और पैक बनाने लगा। फाइनली ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू? तो लौंडे ये जान तुम्हारे स्टार्टअप के नाम, साले इतना पैसा कहां से आया? भाई कोई स्टार्टअप नहीं, ना ही मेरा पैसा। मैंने गुस्से में आकर जॉब छोड़ दी। वो बहुत खुश था, पूरे जोश में ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया था कि ग्लास पीछे हटा लिया। क्या गुस्से में नौकरी छोड़ दी? साले आज तक तूने रेस्टोरेंट में अपना प्लेट में बचा खाना नहीं छोड़ा, जॉब छोड़ दी? साला सोमवार को चिकन बच जाए तो पार्सल ले लेता और मंगल का उपवास रखकर बुध को चिकन गरम करके खाता है। इतना प्लान करने वाला आदमी बिना किसी प्लान के जॉब छोड़ाया? आशीष कुछ ज्यादा गुस्से में था, लेकिन मैं थोड़ा मुस्कुरा पड़ा इस बात पर कि चलो कोई तो इस दुनिया में जो मुझे इतने अच्छे से जानता है। मैंने खींचते हुए कहा, ला भाई बॉटल दे। उसने भी मेरी तरफ वापस ओल्ड मॉन्क पड़ा दी। साले सड़क छाप तुम यही पियो। भाई अपन तो सेम ब्रांड पीते हैं ना। भाई ये 16,000 की बॉटल और हरकत तूने 2 कौड़ी की करी है, उस हिसाब से ओल्ड मॉन्क की तुम्हारे लिए काफी है। मैंने भी लंबी सांस छोड़ते हुए ओल्ड मॉन्क से पैक बनाया और मुस्कुराते हुए पीने लगा। एक मिनट, ये ग्लास जरा नीचे रखो, पहले ये बताओ तुम यहाँ लेने के आए हो? कहीं तुम स्टार्टअप में हमसे पैसे लगवाने की तो नहीं सोच रहे? देखो बेटा कान खोल के सुन लो, और जो भी खोल के सुनना चाहो वो खोल के ध्यान से सुन लो, तुम्हें देने के लिए हमारे पास आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। और आशीर्वाद भी हमसे दूधो ना पूतो फलो वाला देना आता है, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं। और अपने घर में बताए तुम? इसका जवाब मैंने सिर्फ ना में सर हिला के दिया। अबे तो अब इस बड़े शहर में करोगे क्या? कहीं वापस गांव जाने का इरादा तो नहीं बना लिया? एक मिनट, कहीं गांव में तुम्हारी शादी तो नहीं फिक्स होगी? सुनो बे, हम शादी में गांव नहीं आएंगे, हमें इंडियन टॉयलेट नहीं सूट करता, अपनी शादी का एक रिसेप्शन फंक्शन यहीं रख लेना। अबे कितना बोलते हो, कोई शादी वादी फिक्स नहीं हुई तो गांव करने क्या जा रहे हो? हम गांव नहीं जा रहे तो यहां क्या करोगे? एक मिनट, अब सब साफ समझ में आ रहा है। सुनो बे, कहीं तो हमारे घर में टिकने का प्लान तो नहीं बना लियो? हमें किसी के टुकड़ों में पल्ले की आदत नहीं है। सुनो बे, अगर डायलॉग सुनने का शौक होता ना तो सनी देओल या मिथुन के सुन लेंगे, तुम्हारे नहीं सुनेंगे। समझे झांटू, कोई प्लान बना है तुम्हारा? हाँ, अब हम बुक लिखेंगे। क्या बुक? मतलब लौंडा ऑथर बनेगा? अच्छा, किताब का विमोचन किससे कराना है कुछ सोचे हो? शाहरुख से, अमिताभ बच्चन जी से करा ले? अरे पागल हो गए क्या? यही बात अगर हम कहते तो मिर्ची लग जाती। किताब किताब का क्यों पहले लग गया तुम्हें यार? बचपन से शौक था। तुम तो गुरु घर से विचित्र बातों का रिकॉर्ड बनाने निकले हो आज, कैसे समझाए? देखो गुरु, हमें भी बचपन से हनुमान बनने का शौक था,
दो बार पूछ लगा के छत से उड़े सीधे नीचे गिर गए। फिर जब पापा ने अपना रावण वाला रूप दिखाया तो समझ आ गया कि बंदर तक तो हम ठीक है पर हनुमान वाली बात हमें नहीं है। एक ही सांस में बिना बात किसी सोच विचार के कह देने का अगर कोई अवार्ड होता तो आशीष वो हर अवार्ड जीत लेता। तो रावण का बताया तुमने, मतलब अपने बाप को बताया हो? अभी अभी तो खुद को बताया, पापा को कहां से बताते? और पापा कौन सा ये बात सुनकर हमारे हाथ में कागज कलम थमा देंगे, बेटा लिखो जी भर के लिखो। अब तुम तो ज्ञानी हो बे बहुआ, जब भविष्य देख रहे हो काय अपनी लाइफ में चरस बोल रहे हो? पर भूतनी के तुमको हुआ क्या है आशीष? तुम्हें नहीं लगता तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अबे हमारा तो मन कर रहा तुम्हारे पिछवाड़े में कैक्टस का पौधा बो दे और तुम्हारे पिछवाड़े में अपने खर्चे पर एक माली भी रखवा लेंगे, जब तक इसका सपना ना टूटे ये पौधा सूखना नहीं चाहिए। हमसे हमारे गुस्से की प्रामाणिकता मत मांगो, हम तुम्हारे खाने पीने और निकलने के रास्ते बदल लेंगे, समझे? अबे भरी जवानी में क्या हलचल हो गई तुम्हारी बॉडी में? हार्मोन ने सुसाइड कर लिया क्या? अपना नहीं तो अपने पेट में पलते हुए शुक्राणुओं का सोचो जो किसी महिला के अंदर जाने को तड़प रहे होंगे, लेकिन नहीं, इनको तो सपने देखने हैं। अबे देखने का इतना ही शौक है तो लौट गया देखो, वो नहीं देखती तो उसकी सहेली को देखो, वो भी नहीं देखती तो हमको देखो, हम है ना जुगाड़ करने के लिए। साले हमारे लालन पोषण में कोई कमी रह गई थी क्या? साला अच्छी खासी दो टाइम की स्कॉच मिली थी, अब एक टाइम की चाय को भी तरसोगे। किताब का नाम क्या रखूं? चूतिया रख लो, बहुत अच्छा नाम है। झाटू हो क्या? एक नंबर के। आशीष की बातों ने मेरी हंसी को फ्री में दावत की, इसलिए हमने भी खुलकर दांत निकोल दिए। आशीष ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। बुक तो हम जरूर लिखेंगे। अबे यार हमारे लिए बुक काहे छपवा रहे हो, हमें ऐसी दे देना, तुम्हारी फालतू की बकबक सुन सकते हैं, फालतू की बुक भी सुन लेंगे, और कोई तो तुम्हारी बुक खरीदने नहीं वाला। अरे बात को समझो, कोई एक्सपीरियंस है बुक लिखने का? एक्सपीरियंस? साला जब दुनिया में आए थे तब माँ बाप ने कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा था। जब एक बाप लड़की देता है तब कोई नहीं पूछता बच्चा पैदा करने कोई एक्सपीरियंस है? साला लाइफ में छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े एक्सपीरियंस मानते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता दुनिया इतने सवालों के साथ मैनेज कैसे कर पा रही है। बहुत बढ़िया, यही सब बातें लिखोगे ना उसमें? सच बताएं बकवास है एकदम। सच्चे दोस्त का फर्ज निभाए हम, बेटा काहे भेलपुरी वाले के लिए रद्दी लिख रहे हो? रद्दी वाला भी लेगा तुम्हारी रद्दी। कल सुबह की टिकट है, कहां? यूएस की, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हो? अपना किताब वाला क्या? हाँ सुना दो, वही है जो तुम्हें समझ सकता है। कल सुबह हम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, पहले मोदी जी को अपनी किताब सुनहरा मौका मिलेगा तुम्हें किताब सुनाने का। आशीष ने मेरी किताब के एक एक पन्ने का चीर हरण कर डाला था, फिर भी अच्छा लग रहा था। कोई तो है जो मुझे इतना समझता है, और जो मुझे समझता है उसे मेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अच्छा लग रहा था खुद को कुछ भी ना होने के एहसास में खड़ा होना देखकर। मतलब इस दुनिया में मेरी आइडेंटिटी खाली एक जॉब थी, जिसके ना होने से मैं आज कुछ नहीं था। अच्छा ही तो है, कुछ ना होना कोई गुनाह नहीं है, कुछ होना और उस होने में कुछ ना होना गुनाह है। वैसे दिल्ली कहाँ जा रहे हो? अनशन पर बैठने की हमारी किताब छुपाओ, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। सारे तुम्हारी तो सोच भी अच्छी नहीं है, कभी महफिल में कोई शेर कविता भी नहीं सुना है। चलो मान ले साले में बात है, फेसबुक पर भी कुछ नहीं लिखते सारे, 20-25 लाइक्स से लेकर तुम्हारा जीवन कट रहा है, इससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे सारे लोग शेयर डाल के लाइक्स ले लेते हैं। भाई तेरे राइटिंग करिए तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और अगर हमें अंधेरों का शौक लग गया हो तो मरो जाकर, जब बताओ कांधा देने आ जाएंगे। सैटरडे या संडे को ना मरना, सारा वीकेंड खराब करोगे, वीकेंड में मरना, छुट्टी लेकर आएंगे तुम्हारे क्रिया करने के बाद रात को दारू भी पियेंगे। ये था आशीष, और ये सब था आशीष में। आशीष का घर था बांद्रा में और घर में था आशीष, लेकिन आशीष में था ये सब, दोस्ती, अपनापन, दोस्तों वाली भाषा। ऐसे ही चीजों के बिछड़ने का तो गम होता है, बाकी सब तो बाजार में मिल जाता है। शास्त्रों के फेयर ड्राफ्ट में इसे सच्चा दोस्त आ गया, नहीं कहा गया तो प्लीज कह दो। तो पहला क्या मेरी मतलब क्यों लिखा मैंने ये बुक, बिकॉज वही बात मैं बार बार करता हूँ, पैशन, जिसकी वजह से मैं मुंबई में हूँ। तो वो पैशन कहीं ना कहीं मैं ये देखता था कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हर किसी की लाइफ में वो पैशन भी है, वो जुनून भी है और वो ड्रीम्स भी हैं। तो वो क्या होता है कि हम लोग की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तो वो चुन पाना, उन पर डिसीजन ले पाना बहुत टफ होता है। तो उसी पर है ये पूरी बुक, और उसी ने मेरे को भी इंस्पायर किया कि इन सब चीज़ों को अगर एक कहानी दी जाए तो कहानी क्या शक्ल लेगी, तो वो हमने इस बुक में कहने की कोशिश की। और लॉन्च में आपके मतलब फ्रेंड कह सकते हैं कली आए, कृष्णा अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे? यार अब इसको तो वही वाली बात, एक बात बड़ी घिसी पिटी सी है कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझे तो खुद इतना नहीं मालूम था कि ये सब चीज़ें मतलब ये सच में होंगी। मैंने तो इनसे जिक्र भी नहीं किया था, मैंने खाली इतना बोला था कि एक बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अरे, तो सामने से जो उत्साह दिखाया उसके लिए मैं बड़ा मतलब, एक होता है कि मैंने कहा हो कि भाई मेरे को कुछ ऐसा करना है तो आप करा दो, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इन चीज़ों में कभी भी किसी आर्टिस्ट का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं किसी का फेवर ना लूँ, क्योंकि बुक एक अलग चीज़ है और ये टीवी की दुनिया, ये लोग सुपर स्टार्स हैं। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था मैं इन लोगों से कभी फेवर ना लूँ, ना ही मैंने अपनी टीम में से किसी से कभी ये कहा कि प्लीज़ मेरे लिए कर दो। तो मैंने खाली जिक्र छेड़ा था, मैं एक किनारे बैठा था कहीं पर, मैं ऐसे किसी जिक्र कर रहा था कि ऐसा करना है वैसा करना है। इन्होंने बोला यार
हम बहुत अच्छे से करते हैं बुक लॉन्च और ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने खुद पूछा, मैंने कहा भाई एक बार कल सोच लो आप टाइम दे पाओगे? कहते अरे भाई तेरे लिए कुछ भी। तो ये एक अर्निंग है मेरी, लोग कहते हैं बुक से क्या कमाया है, तो ये मुझे लगता है एक छोटी सी कमाई है हमारी। भाई इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जहाँ तक हम देखते हैं मीडिया वाले, मतलब इस तरह की जब फिल्मों में और ये सब, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली यू नो हेल्प करने के लिए जब सामने आते हैं, टू सपोर्ट ईच अदर व्हेन यू आर फ्रॉम द सेम फ्रेटर्निटी एंड कमिंग टुगेदर एंड जस्ट सपोर्टिंग ईच अदर। नो बिकॉज़ ही इज सुपर्बली टैलेंटेड एंड ही इज़ वेरी पैशनेट। हम लोग ये भी आज जो शो करते हैं इसके पीछे अगर आप कैमरा लगा के देख लो, बिग बॉस वाले जो हमारे को लगा दो, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, हाउ मच ही राइट्स, एक एक लाइन के लिए हम लोग सोचते हैं बैठते हैं कि भाई ये लाइन बोले कि नहीं बोले, जो आप लोगों को जो इतना फ्लॉलेस लगता है ना हमारा स्टेज के ऊपर, उसके लिए कितना हार्डवर्क होता है। एंड ही एंड आई हैव सीन हिज जर्नी, ना मैंने पहले भी बताया कि ही इज़ फ्रॉम कॉमेडी सर्कस, आई हैव सीन वंकुश जब इससे शुरुआत किया था, उसके बाद कितने अच्छे अच्छे एक्ट्स लिखे। वहाँ वंकुश मेरे लिए इतना नहीं लिखता था, लेकिन मेजरली पूरा पूरा शो लिखते थे। उसके बाद देन हमारे शोज अलग हो गए, बट अभी लास्ट ईयर से आई हैव बीन वर्किंग विथ हिम एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स आई हैव एवर वर्कड विथ एंड आई एम जेन्युइनली टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ मीडिया, तभी मैं यहाँ पर मैं आया हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि इतनी सक्सेस पाने के बाद, बिकॉज इतना बड़ा जो हमारा शो इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो ऑन इंडियन टेलीविजन एंड डेफिनेटली ही मस्ट बी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव राइटर्स ऑन टेलीविजन, तो उसके बाद राइटिंग का इतना पैशन है कि ही इज़ कम आउट विद अ बुक, तो वो पैशन नज़र आता है। नहीं तो लोग सोचते हैं यार मैं ये किताब क्यों लिखने बैठूं, इससे अच्छा वो जी रिश्ते अवार्ड लिख देता हूं ना, वो स्टार अवार्ड कर लेता हूं, या मैं उधर कहीं और जाके कुछ और कर लूं जहां से मुझे बहुत सारा पैसा निकल के आए। सो ये अच्छा लगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर पैशन, तो वो एक राइटर की क्वालिटी है ना, इज ए रियल हार्ट दिल से राइटर है। मैं जेन्युइनली मैंने किताब इतनी पढ़ी नहीं है, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम सुनी भी यहाँ पर वंकुश से। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसकी लैंग्वेज जो है वो कठिन नहीं है, मतलब हम भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए बहुत वो इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द बुक, और इसमें पैशन है, लव है, वो जो कैरेक्टर की कहानी है, वो डेफिनेटली रीड द बुक, मैं पढ़ूंगा, हम सभी पढ़ेंगे। दो चैप्टर रीड किए गए, दोनों में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? मुझे तो सेकंड वाला जो वंकुश ने रीड किया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें मतलब एक कन्फ्यूजन था कि वो लड़का कहता आशीष आशीष और वो घर पे है कि नहीं है, वो उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज, वो मैं पढ़ूंगा ये सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, क्योंकि अक्सर पूछते हैं कौन घर पे है कौन नहीं है। सबसे पहले तो बुक जो लिखी मैंने वही मैं टेलीविजन लिख रहा था, टेलीविजन लिखते लिखते हम बहुत सारी प्रोफेशनल राइटिंग ही करते हैं कि जिस बात के हमें सिर्फ पैसे मिलते हैं। और किताब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें कमाई नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, ये भी शुरुआत है, और बहुत अच्छे ऑथर्स हैं जो इसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ पूरी इसी से चला रहे हैं। और किताब हर राइटर को लिखनी चाहिए, या जो नहीं भी है उनको भी एक बार लिखनी चाहिए। आपकी खुद से खुद की बात होती है, जो आप सोचते हो वो बात, वो एक आईना है, जो आप सोचते हो उसमें कोई किसी का दखल नहीं होता कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, अच्छा या बुरा है, वो सब आपका है। और दूसरी बात, हर राइटर का सपना होता है कि वो फिल्म्स लिखे, हर राइटर को ये खुशी होती है कि वो अपनी एक ऐसी चीज़ बनाए जिसको वो बड़े पर्दे पर देखे। तो किताबें वो जरिया आपके लिए आसान कर देती है, नॉट कि रिलेशन बन जाते हैं, ये कि आप सोच सकते हो कि एक कहानी पूरी कैसी लग रही है, क्योंकि किताबें कोई माफ़ नहीं करता अगर अच्छी ना हो तो। और ये हौसला जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम आप सबको बुलाकर यहाँ सबके सामने उस किताब के दो पेज भी पढ़ें अगर वो किताब अच्छी नहीं होती है तो। वो हौसला जुटाने के लिए भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम लोगों से डिस्कस करते हैं, उनके रिस्पॉन्स मिलते हैं। आज भी कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं आपकी किताब पढ़ी, बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छी लैंग्वेज यूज़ की, बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं, तो लगता है कि हाँ ये बात है जो मैं औरों तक पहुँचाऊँ और लोगों को बताऊँ कि हाँ एक अच्छी राइटिंग है। देखो बाकी आप लोग क्या रिस्पॉन्स रहता है, और बस सपने तो यही है कि इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद नहीं आगे भी ये सब ऊपर नीचे चलता रहेगा, जहाँ जहाँ अच्छी राइटिंग लिखने का अवसर मिलेगा उसको लेके जाएंगे आगे तक। लोग सपना देखते हैं, इसने एक सपना बना दिया। अब आगे भी और सपने। आप कितना इंटरेस्ट लेते हो बुक पढ़ने में, लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी आपने? मैं लास्ट पढ़ी थी 10th स्टैंडर्ड में था मैं। तो उसके बाद मीठी भाई कॉलेज में गया तो मैं पढ़ाई फिर कम कर दी थी।
तो मुझे ऐसे, मैं देखो जो जेन्युइन है, मैं यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे ये पढ़ने का शौक है या वो पढ़ने का शौक है. आई एम नॉट अ रीडिंग पर्सन. ऐसे कभी कभार कभी ऐसे घर पे किताबें बहुत सारी, कश्मीरा रीड करती हैं बहुत सारी किताबें, उसमें से कभी एक आध ऐसे लेके रीड कर ली. वैसे मैंने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, हाँ भगवद गीता पूरी मैंने पढ़ी हुई है. ऐसे अभी उम्र नहीं है, लेकिन मैं जब 10 साल का था, मैं मेरी ट्यूशन टीचर थी वो कैथलिक थी. अच्छा. हाँ तो मैंने 10 साल में रोज एक एक पेज, एक एक बाइबल के सारे चैप्टर्स और सब कुछ पढ़ा हुआ. टीचर पसंद थी? हाँ टीचर अच्छी थी. नहीं फ्रेंड तो मैंने वही बोला कि हम लोग अगर यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग 20-25 लोग हैं, आप लोग सब, तो हम में से कई लोगों की कहानी में कुछ ना कुछ इसका अंश ज़रूर मिलता है कि यार हाँ हमारा एक सपना था, हम आज ये कर रहे हैं, हमें वो करना था, यार मेरी ज़िंदगी में प्यार आ गया तो इस वजह से हम अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे. तो कहानियाँ सब वही हैं, सिर्फ कहने का जो अंदाज़ है और जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये मैं मतलब आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप पूरी बुक पढ़ोगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा कि हाँ जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ हुई है, दोस्ती यारी वाली बात हुई है, वो आप बहुत इन्जॉय करोगे. और हमारी आपकी कहानी है, कोई फोर्थ पर्सन नहीं है कि एक कोई ऐसा स्टार होगा या कोई एक ऐसा लड़का होगा जिसकी ज़िंदगी में ऐसा, हमारी आपकी कहानी में डेली ऐसा होता है. लोग कब पढ़ पाएंगे बुक, लोगों तक कब? तो ये बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी और मतलब वहाँ से आपको मिल जाएगी और कुछ बुक स्टोर्स पे भी अवेलेबल है. और दूसरी चीज़ है कि मुंबई में जो मेरे को एक थोड़ी सी निराश करने वाली बात ये मिलती है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश बुक पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, हिंदी बुक को बहुत कम पढ़ते हैं. इवन मेरे फ्रेंड्स में भी, अरे वाह तूने बुक लिखी है, मैंने कहा अरे ये तो हिंदी में है, तो मैंने कहा अभी मतलब ठीक है हिंदी में लिखी है. तो हमारे जो यूपी साइड है वहाँ पर अच्छे खासे बुक स्टोर्स में भी है, जैसे यहाँ पर अगर आप जाते हो तो क्रॉसवर्ड में भी हिंदी बुक्स इतनी नहीं रखी जाती हैं, तो कुछ बुक स्टोर्स में भी मिल जाएंगी आपको और ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही अमेज़ॉन पर. ओके कृष्णा, क्या आपने इस सेकंड चैप्टर से कुछ रिकलेक्ट किया कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे है? वहाँ उल्टा होता है, वहाँ मैं घर पे नहीं होता. मैं अपने घर नहीं होता हूँ ना ज्यादा. यहाँ पर तो वो दोस्त नहीं था घर पे, आशीष फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है. तो नहीं हाँ मतलब देखिए क्या होता है जब आप ऐसी कोई राइटिंग कर रहे हो तो आपके डे टू डे लाइफ में जो हरकतें होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो आ ही जाती हैं आपकी राइटिंग में. तो जब मैं पूरी पढ़ूंगा तो डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई कैरेक्टर मिल ही जाएगा जो अपने आम जिंदगी से रिलेट करता हूँ. इसमें अगर आपने एक चीज़ और देखी होगी, मैं इसी चैप्टर की बात करूँगा कि दो दोस्त तो बात कर ही रहे हैं, आशीष और कबीर तो बात कर रहे हैं, दो ब्रांड्स भी बात कर रही हैं, शराब की दो ब्रांड्स भी बात कर रहे हैं, वो भी हम हैं ओल्ड मॉन्क. और उनमें से कुछ हम हैं और कुछ हम होना चाहते हैं कि हमारा आज जिंदगी ओल्ड मॉन्क है लेकिन हम वो होना चाहते हैं. लेकिन कभी कभी हम वो भी हो जाते हैं जो हम नहीं हैं. जब उसके पास ऑप्शन था, वो उसका दोस्त उसको ऑफर करता है कि ये ले, लेकिन वो बोलता है कि आज मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने काम छोड़ दिया, वो वापस ले लेता गिलास कि साले तू इसके लायक नहीं है. तो उसको खुशी होती है कि ये दोस्त नहीं, एक तो है इस दुनिया में जो मुझे बहुत अच्छे से समझता है. तो हमारे साथ होता है यार, हम जब कुछ नहीं होते, हम में से बहुत लोग होंगे जो ओल्ड मॉन्क जिनकी बहुत फेवरेट होगी और काफ़ी. तो वही है कि ये दोस्तों की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें डेली होती रहती हैं, तो उसी को हमने किताब में डाल दिया. आशीष घर पे नहीं क्योंकि जिनके घर बैंड्रा जिनके घर बैंड्रा में होते हैं वो घर बड़ी मुश्किल से होते हैं, क्योंकि बैंड्रा में घर बनाना आसान नहीं होता. इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं वो फिर घर पे नहीं होते. तो उस कहानी का एक ये भी एक होता कि आशीष घर पे नहीं है, उसका घर बैंड्रा में है. हाँ कपिल भाई ने बुक पढ़ी और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ा मतलब बड़ा मैं तो बहुत शॉक्ड था कि उन्होंने सबसे पहले बुक ऑर्डर की और बुक पढ़ के मुझे बोला भी, उन्होंने ट्वीट भी किया था कपिल भाई ने, और उन्होंने बोला भी कि वंकुश मैंने मतलब मैं तो घर हम लोग गए थे रीडिंग के लिए तो बुक सामने खुली पड़ी थी, उन्होंने बोला भी देख ऐसा नहीं झूठ बोल रहा हूँ, बुक देख यहाँ पड़ी हुई है और मैं इतने चैप्टर तक पहुँच गया हूँ. उन्होंने पूरी पढ़ी और तारीफ भी की और उन्होंने कहा उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने भी सेम चीज़ बोली, उसकी लैंग्वेज उनको बहुत अच्छी लगी जो आजकल की लैंग्वेज और बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है. नहीं मैंने वही बोला कि बुक और टेलीविजन बहुत अलग अलग माध्यम है, तो मैं नहीं चाहता क्योंकि वो ऑडियंस अलग है और ये रीडर्स की जो हमारी दुनिया है ये एक अलग दुनिया है. तो मैं चाहता हूँ हमारे आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारे आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँच गई तो वहाँ पे तो आपको दिखी जाएगी फिर. ओके कपिल जी की बात करी है तो ब्लेस्ड है बेबी गर्ल से, सो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वी आर वेरी एक्साइटेड, हैप्पी फॉर हिम.
मैं उस दिन अंकुश को ही बोल रहा था, मैंने बोला हम लोग जब काम करते थे अभी सब बेबी वाले हो गई, और गुड न्यूज़ ये है कि इनको भी बेटी हुई है अभी महीना भर पहले, तो सबके घर बच्चे हो गए, मेरे ट्विन्स हैं। हाँ, तो हम बच्चों के बाप आपसे कहते हैं किताबें खरीदो ताकि हमारे पास पैसे हैं। अमेजोन 200 रुपए जरूरी। तो इनको भी बेबी हो गया, मुझे भी हो गए, कपिल को भी हो गया, तो मैं बोल रहा था कि यार कहाँ हम लोग से लड़के लड़के घूम, फैमिली शो बना रहे थे हम लोग, तो फैमिलियाँ भी बना ली उन्होंने साथ में, बना ली सबकी, तो सो हैप्पी, सच अ वंडरफुल थिंग। और भी चेंजेस आएंगे अभी, देन कपिल भी मोर क्या बोलते हैं, अब बेबी आने के बाद आएंगे थोड़े 2-4 महीने बाद, फादरली चेंजेस आते हैं। कृष्णा सर, आपने काफ़ी कई बार कहा है सलमान खान ने आपकी कई बार है ना हेल्प की है, बहुत तरह से सपोर्ट किया है हमेशा, और, हाँ। और फिल्म भी उनकी आ रही है, शो में भी आए थे, हाँ। और कुछ क्या विशेष देना चाहेंगे, आई मीन की फिल्म दबंग थ्री को? अरे विशेष क्या मैम, तो उनके लिए मैं चाहिए तो सिद्धि विनायक चल के चला जाऊँ, उनके लिए तो मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, और ये प्रोफेशनली तो बाद में आया हूँ मैं। नदीम भाई मेरे 15 साल पुराने दोस्त हैं, है ना। सलमान भाई को भी मैं जब 17 साल का था तब से जानता हूँ, तो उन्होंने काफ़ी हमें मुझे हेल्प भी किया, और इमोशनल टच भी है मेरा। व्हेन माय फादर वाज अनवेल तो उन्होंने सब डॉक्टर्स अरेंज कर देना बिना कुछ बोले, तो आई थिंक ये कौन करता है किसके लिए इतना। तो मैं कहता हूँ वो जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतना ही मतलब डायमंड वाला हार्ट है उनका, तो आई थिंक ऐसे इंसान इंडस्ट्री में और कोई भी नहीं होगा। मी बीइंग फ्रॉम अ फिल्मी खानदान है ना, उसके बावजूद मैं ऐसा बोलता हूँ कि उनसे ऊपर मुझे कोई लगता नहीं। सर ये बात के लिए तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे सलमान सर बोलते हैं गॉडफादर हैं सबके लिए, और भी लोग जो हेल्प करते हैं, तो सर आप कभी किसी एक्टर के लिए जैसे कोई एफर्ट कर रहा है और वो लायक है लेकिन कभी उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कभी रिजेक्ट हो जाता है, नॉट फिट बोल के अलग हो जाते हैं, तो ऐसा कभी आप कभी किसी के गॉडफादर बनेंगे सर? अरे क्यों नहीं, डेफिनेटली हम अपने शोज पर ही नए नए लोगों को कभी एंट्री कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्राई किया है आज तक। अच्छा अपने लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा कर रही है वो, बहुत अच्छा, मुझे पब्लिक बोलती रहती है। मैं इधर उधर भी एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा शोज वोज कर ट्रैवल करता हूँ, मुझे लोग आके मिलते हैं कि आरती इज डूइंग वेरी वेल, वी आर वेरी हैप्पी, तो मुझे संतुष्टि रहती है कि दैट शी इज़ फाइन, उसने ऐसा कोई नाम ख़राब नहीं किया अंदर जाके। और अभी 3 महीने हो गए घर में, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है बिकॉज मैं सोनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कलर्स पे नहीं जा सकता हूँ, तो मैं जो छोड़ने भी गया था वो भी मुझे सोनी ने परमिशन दी थी और सलमान भाई थे तो मैं चला गया, नहीं तो मैं जा नहीं पाता। ओके, बट हर किसी के कंटेस्टेंट्स की तरफ से कोई ना कोई तो आ ही रहा है स्टेजेस पर, आई नो, बट आप जाओगे? मैं जाऊंगा अभी, फिर मुझे सोनी ऑफिस जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि मुझे भेज दो एक एपिसोड के लिए, तो वो होंगे, फिर दानिश भाई भी इज वेरी स्वीट, वो मुझे फिर अलाउ कर देंगे और मैं पहुंच जाऊंगा। अरे वो कुछ नहीं, वो फ्लिप कर रहे, खुद बोलते खुद ही फ्लिप फ्लॉप है सब इधर उधर, वो खुद ही लगे रहते हैं, वो लोग सभी तो कर रहे हैं, और ठीक है गेम चल रही है ना अंदर, और ऊपर से आप 3 महीना हमें भी बांध दो एक घर के, अभी इसमें सोचो हम 3 महीना रहेंगे, तो फिर 2 महीने बाद हो सकता है कैमरास मेरे सर पे मार दें क्या होगा तो क्योंकि अंदर एग्रेसिव हो जाता है आदमी कुछ भी, तो वो ठीक है, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो बाबा कौन, संजू बाबा कौन गया था अंदर, वो आरती के लिए बोलता है कि ये क्या जिधर वजन उधर ही भजन, अच्छा ऐसा बोल, तो मेरे को अजीब समझ क्या बोल रहा है ये, लेकिन फिर वो अंदर जाके खुद भजन कर रहा है उसका क्या वो दिखाओ, तो ऐसे ही वो तो सब चल रहा है अंदर, तो बट आरती डूइंग फाइन, क्योंकि मुझे मेन ऑडियंस से आम पब्लिक से पता चलता है, तो 90% लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो आई एम हैप्पी दैट शी इज फाइन। मुझे फाइनल 3 में जा सकती है मुझे ऐसा लग रहा है। घर की छुट्टी यू नो असीम से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी लेकिन असीम ने दे भी दिया, तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर असीम के हाथ में अगर छुट्टी आ गई तो वो देगा? नहीं, पर असीम आए ही सीम्स टू बी अ गुड गाय, He seems to be a good guy. मुझे अच्छा लड़का लगता है, तो मुझे पता था कि वो दे देगा, वो फाड़ेगा। जैसे घर में आपने कहा आप जाओगे, अगर जाओगे तो किसे और क्या टिप्स दोगे? टिप्स? Yes. टिप्स सिर्फ देने नहीं, मैं आरती से मिलने जाऊंगा और मिल के आ जाऊंगा, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। यार मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई आई लव यू, और आप यहाँ पर आए अच्छी बात, जैसे भी भाई ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग मतलब स्ट्रगलर्स और उन सबको मौका ये वो, तो हम भाई कौन है, हम एक मौका ही है ना, कौन करता है, और ये अच्छी बात है कि पहले हमें कुछ करना होता है, हमें एफर्ट करना होता है, और हमारे एफर्ट को अगर एक
थोड़ा सा भी एक मतलब मौका मिल जाता ना, उसके बाद फिर होता है कि हाँ अब हमें आकर कोई सपोर्ट करे, तो ये भी एक वी वांटेड अ रीच एफर्ट है। करेक्ट, ये जो अच्छा लिखा है तो उसकी रीच जाए, और इसीलिए हमने ये आज का, हाँ मतलब अच्छी चीज़ है अगर आप लोग तक पहुँच, आप लोगों के माध्यम से आगे तक पहुँच सकती है। चीज़ अच्छी ना होती तो शायद हम यहाँ तक लाते भी नहीं, क्योंकि हम लोग खुद वो जानते हैं कि हमारे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि ठीक है हमने कर दिया तो कर दे इसको आगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं है तो हम खुद चाहते हैं कि वो आगे तक ना जाए, हम कुछ और कर लेंगे। आपका काम है इसको पहुँचाना। हाँ बस, तक सो थैंक यू, थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो आपका खुद का किरदार निकलता चाहे तो क्या कहना चाहेंगे, तो सबसे पहले बुक आ गई है उनकी क्या? चलो तो बहुत कमाल की बात है, और बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस के लव ड्राइव के लिए वंकुश को। मैं मतलब जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ यार, मेरे को इतनी आदत है नहीं पढ़ने की, मैं रीड बहुत कम किया हूँ, मतलब मैं नॉवल्स वॉल्स कम पढ़ा हूँ बहुत। मैं अपने बच्चों को बहुत पुश करता हूँ कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल हैबिट। एंड अगर आप रीड करें तो आपकी इमेजिनेशन भी काफ़ी, क्योंकि हम जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई किताब लिखी हुई है, कोई मुझे पढ़ने को कहता है, मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ कि इसके ऊपर फिल्म बन गई क्या, बन गई तो दिखा दो, मैं फिल्म देख लेता हूँ, मुझे आदत नहीं है। बट व्हेन यू रीड यू एक्चुअली इमेजिन द कैरेक्टर्स, यू क्रिएट देम, जिस तरह राइटर ने लिखा है आप अपना क्रिएटिविटी उस पर जोड़ते हैं, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। रीडिंग इज आई थिंक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। खैर वंकुश के बारे में इतना ही कह सकता हूँ भाई कि इतने अरसे से काम कर रहा हूँ साथ में, द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी नाइट विद कपिल, जितना भी काम मैंने वंकुश के साथ किया, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स जो वंकुश की मदद से हम क्रिएट कर पाए हैं, इतनी कॉमेडी जो हम जनरेट कर पाए हैं, ऑल थैंक्स टू हिम एंड द रेस्ट ऑफ द टीम ऑफ राइटर्स। बट बहुत ज़रूरत, इतना आसान नहीं होता। कितनी बार क्या होता है कि आपने भी शायद कभी पॉइंट आउट किया होगा कि आपने बच्चा यादव के मुँह से कोई जोक सुना है, तो आपको लगा होगा यार ये तो सुना हुआ है पहले। बात जोक की नहीं होती, बात उस लाइन की नहीं होती, बात उसे प्रेजेंट करने के तरीके की होती है। जो ये कितनी बार, मतलब हम जब अपने सेशन में बैठते हैं हम खुद सोचते हैं कि यार ये जोक अच्छा है, इसकी फ्रेमिंग बदल दें, इसकी राइटिंग, तो ये वंकुश जिस तरीके से वो एक ही चीज़ को चार तरीके से बोलने के ऑप्शन के, हम किस तरीके से इस जोक को अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब जोक की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, यहाँ पर जाके ये बात ख़त्म हो गई, कोई करंट मुद्दे के ऊपर आप जोक मार रहे हैं वो इतने वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से ये वंकुश का टैलेंट है कि वो किस तरह एक ही मतलब उस बात को किस तरीके से प्रेजेंट करें, वो भी सजेस्ट करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करता है, जो कि हम जो कैरेक्टर बनाते हैं तो वो किस तरीके से बात करेगा उसके ऊपर ये बातें सूट करेगी, उसके मुँह से ये बात निकलेगी नहीं निकलेगी। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट more that goes into writing, जितना हमें समझ में आता है, मतलब मुझे समझ में आता था, अब जितना मैं sessions attend करता हूँ, इनके साथ बैठता हूँ, और जितनी बातें मुझे, मतलब कमाल है यार, मतलब writing के beyond भी वो जो इतनी सारी चीजें character related सोचते हैं, वो कमाल है, बहुत ही talented बंदा है, और thank you very much। क्या बात है? Okay, जैसे आपने कहा आपकी bad habit है कि आप read नहीं करते हो, क्या आपने इनसे सुना है books? नहीं 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 अभी सुना नहीं है, पर मैंने ये है कि अभी हम थोड़े से बिजी दौर से गुजर रहे हैं शो के, बिकॉज हम शो पे एक छोटा सा ब्रेक लेने की कोशिश कर रहे थे, हम बैक टू बैक शूट कर रहे थे, बट आई हैव द बुक विथ मी ऑफ कोर्स, और मैं पढ़ूंगा। और ब्रेक जो है हमारा वो शूट, मतलब टेलीकास्ट में ब्रेक नहीं है, हमारा पर्सनल ब्रेक है, वो भी मात्र 10 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन, 10-12 दिन में पूरी किताब करने वाले, बहुत, और फिर न्यू ईयर पे बताएंगे कैसा लगा। पढ़ी नहीं है मैंने, लेकिन बहुत जल्द पढ़ूंगा। ओके, इसके अलावा एक और चीज जानना चाहेंगे, कपिल शर्मा इज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मेरे तो खैर दो बेटे हैं जो 11 और 14 साल के हैं, तो ये जो शुरुआती दौर होता है, जिससे ये भी अब अंकुश की भी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी है, तो दिस इज़ द बिगिनिंग ईयर्स। आई टेल एवरी वन दैट दे आर लिटिल डिफिकल्ट, ज़रा मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको रातों को जागना पड़ता है, थोड़ा आसान नहीं होता, लेकिन बहुत ही प्यारा टाइम है ये वक्त जो आप साथ में गुजारेंगे बच्चे के, वो जो बॉन्ड आपका क्रिएट होगा, अब पता चलता है, अब जब मेरा 14 साल का बेटा है, मुझे पता है भाई उसकी लाइफ तो अब ज़रा अलग होती जा रही है, दोस्त हैं, सर्कल है, तो मतलब ये शुरुआती दौर है जो आपको सबसे ज़्यादा इन्जॉय करना है। सो या आई होप कि आई एम श्योर कपिल इज इन्जॉइंग हिमसेल्फ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पीरियड। ओके, इनके आने के बाद क्या कुछ सरप्राइज दिया जाएगा शो पर आप लोगों की तरफ से? किनके आने के बाद? कपिल शर्मा।
मतलब जैसे आपने कहा कि अभी वो आएंगे फिर बाद में, तो जब वो आ जाएंगे शो पर फिर आप लोग क्या उन्हें सरप्राइज दोगे? तो नहीं आएंगे, मतलब शो तो चल ही रहा है, साथ में ही है हम लोग। हाँ, नेक्स्ट डे भी बेचारे शूट कर रहे थे। हाँ, अभी पैदा हुआ उसका अगले दिन भी शूट। सरप्राइजेस? हाँ, हमने बहुत अच्छा एपिसोड दिया उनको।